हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, आई एम योर एडुकेटर एंड फैसिलिटेटर प्रतिभा यादव, प्राइमरी स्कूल चौरादेव, ब्लॉक पुआर का, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न द टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश रेनबो बुक, लेसन नंबर 11, द जंगल। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश रेनबो की बुक से लेसन नंबर 11, द जंगल पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो प्यारे बच्चों, आपके इस लेसन में हम पढ़ेंगे दीज और दोज का उपयोग करना। स्टूडेंट्स, द वर्ड्स दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर मोर देन वन इन नंबर, और वी कैन से दैट विच आर मैनी इन नंबर। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे दीज और दोज हैं, वो हम उन चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं जो कि संख्या में या तो एक से ज़्यादा हैं, या फिर हम कहें कि जो कि बहुत सारी हैं। स्टूडेंट्स, दीज इज यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस। तो प्यारे बच्चों, दीज हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास होती हैं और बहुत सारी होती हैं। सिमिलरली, दोज इज यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर मोर देन वन एंड फार फ्रॉम अस। तो इसी तरीके से जो दोस्त का उपयोग करते हैं, वो हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो कि हमसे दूर होती हैं और वो भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि हमने दिस और दैट पढ़ा था ना, उसी तरीके से हम दीज और दोस्त का भी उपयोग करते हैं। दे दीज मतलब यह, दोस्त मतलब वह। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट टू लर्न द लेसन। वन डे बिट्टू वेंट टू द जंगल विद हर फादर, वेयर शी सॉ मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। तो प्यारे बच्चों, एक दिन छोटी सी बच्ची बिट्टू अपने पिताजी के साथ जंगल में गई, जहाँ पर उसने बहुत सारी चिड़ियों को देखा, जानवरों को देखा और पेड़ों को देखा। फादर, लुक बिट्टू, दीज आर पैरट्स। तो वहाँ पर जा कर के उनके पिताजी ने कहा, लुक बिट्टू, देखो बिट्टू, दीज आर पैरट्स, यह तोते हैं। क्योंकि तोते बहुत सारे थे, यानी कि एक से ज़्यादा थे, और वो पास थे, तो इसलिए यहाँ पर दीज का यूज़ किया गया। दोज आर एलिफेंट्स, वो हाथी हैं। यहाँ पर बच्चों, हाथी भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो थोड़ा दूर हैं, इसलिए उनके लिए दोज का यूज़ किया गया, यानी कि वह हाथी हैं। दीज आर डियर, यह हिरन हैं। दोज आर पीकॉक्स, वह मोर हैं। दीज आर मंकीज, यह बंदर हैं। दोज आर ज़ेब्रास, वो ज़ेब्रा हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी लर्न सम क्वेश्चन। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? दीज आर हैंस, यह मुर्गियां हैं। व्हाट आर दोज, वो क्या हैं? दोज आर अम्ब्रेलास, वो छतरियां हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? दीज आर टेबल्स, ये मेजे हैं। व्हाट आर दोज, वो क्या हैं? दोज आर हॉर्सेस, वो घोड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे दीज और दोज की। नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स विच आर गिवन ऑन द बोर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज। तो प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, है ना, तो उन्हें आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। आप अच्छे से उनको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स में दीज और दोज का यूज़ करते हुए इनको आप फिल कर दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।